नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट के टॉपिक कॉमन आइटम्स ऑफ वर्क्स इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आइटम्स ऑफ वर्क के बारे में बात की थी। उस फाइव आइटम्स ऑफ वर्क हमने डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट था अर्थवर्क, सेकेंड था कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड सोलिंग, फोर्थ डैम प्रूफ, फोर्थ एंड फिफ्थ था मसनरी। इन पांच आइटम्स ऑफ वर्क को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अभी हम ब्रीफली इनको रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे नेक्स्ट आइटम्स ऑफ वर्क को डिस्कस करेंगे। तो पहला आइटम ऑफ वर्क हमारे पास था अर्थवर्क। अर्थवर्क को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन एंड सेकेंड हो सकता है सेकेंड है अर्थवर्क इन फिलिंग। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन मतलब नींव में जो मिट्टी की खुदाई का कार्य होता है, एंड फिलिंग मतलब जो भराई का कार्य करते हैं। हम नींव में भी मिट्टी भरते हैं फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद, और हम प्लिंथ वॉल्स के बीच में भी प्लिंथ फिलिंग करते हैं, तो वहां पे भी हम फिलिंग का काम करेंगे। अर्थवर्क को हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो नींव हम खोदते हैं वो दीवार की जितनी लंबी होती है उतनी ही लंबाई की होती है। नींव की कुछ चौड़ाई भी होती है और नींव कुछ गहरी भी होती है। नींव की खुदाई हम ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ करते हैं, तो गहराई भी होती है, डेप्थ होती है हमारे पास। तो नींव के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों डायमेंशन चाहिए। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम क्यूबिक मीटर के फॉर्म में क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे अर्थवर्क के लिए। सेकेंड आइटम ऑफ वर्क हमारे पास था कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। अब जब हमने नींव की खुदाई कर ली है, तो सबसे नीचे हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट का बेड लगाते हैं। कॉन्क्रीट जो हम फाउंडेशन में देते हैं वो लाइम कॉन्क्रीट या वीक सीमेंट कॉन्क्रीट, दोनों में से कोई सा भी कॉन्क्रीट यूज कर सकते हैं। कॉन्क्रीट को हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ जितनी हमारी नींव की लंबाई है, नींव कितनी लंबी होगी, जितनी दीवार की लंबाई है, तो वो डायमेंशन हमें प्लान से मिल जाएगी। कॉन्क्रीट ब्लॉक की जो चौड़ाई चाहिए हमें, ब्रेथ जो चाहिए वो हमें सेक्शन से, ड्राइंग जो गिवन होती है सेक्शन की वहां से मिलती है, एंड डेप्थ भी हमें, सॉरी हाइट जो चाहिए उसकी वो भी हमें वहां सेक्शन से मिल जाती है। तो तीनों डायमेंशन हमें मिल जाएंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हम वहां से क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड आइटम है हमारे पास सोलिंग। सोलिंग जब हमारा जो सॉइल होती है फाउंडेशन के अंदर वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो हम स्ट्रॉन्ग सब बेस बनाने के लिए ड्राई ब्रिक या क्रस्ट स्टोन की एक लेयर बिछाते हैं, और उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसको सैंड से फिल करके उसे रैमिंग के द्वारा कंसोलिडेट करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम कॉन्क्रीट बेड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सब बेस को सॉलिड करने की जो ड्राई ब्रिक या क्रस्ट स्टोन की जो लेयर होती है, इसको हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि थिकनेस हमें ऑलरेडी, सॉलिंग की थिकनेस ऑलरेडी हमें स्पेसिफाइड रहती है। तो हम सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दो डायमेंशन लेंगे एंड वहां से इसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ हमारे पास जो आइटम था वो है डैम प्रूफ फोर्स, डीपीसी। डीपीसी को हमेशा हम प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ वॉल की फुल लेंथ एंड फुल विड्थ पे डीपीसी प्रोवाइड की जाती है। डीपीसी के लिए हम रिच सीमेंट कॉन्क्रीट या फिर रिच सीमेंट मोर्टार दोनों यूज कर सकते हैं, जिसके साथ में वाटर प्रूफिंग मटीरियल ऐड होता है। डीपीसी कभी भी डोर के सिल पे एंड बरेंडा ओपनिंग में प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उसके लिए हमें डिडक्शन प्रोवाइड करने होते हैं। नेक्स्ट जो आइटम ऑफ वर्क है हमारे पास वो है मसनरी। मसनरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो मसनरी को भी हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो फाउंडेशन एंड प्लिंथ की मसनरी होती है उसको हम एक अलग आइटम की तरह कैलकुलेट करते हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में मसनरी वर्क होता है, भले ही वो ब्रिक मसनरी हो या स्टोन मसनरी हो, वो वर्क एक अलग आइटम की तरह कैलकुलेट होगा। दोनों को अलग अलग आइटम में हम कैलकुलेट करते हैं। अब मसनरी वर्क जब हम करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे अगर मोर्टार हमारे पास अलग आ रहा है या फिर डिफरेंट क्लास आ रही है, डिफरेंट टाइप की मशीनरी है, तो इनको हम अलग अलग आइटम्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास
पार्टीशन वॉल है, थिन पार्टीशन वॉल है, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि थिकनेस हमारे पास थिन पार्टीशन वॉल की ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है। हनीकॉम अगर ब्रिक वॉल है तो उसे भी हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए जो हॉल हमारे पास हनीकॉम ब्रिक वॉल में होते हैं हॉल, उनके लिए हम डिडक्शन नहीं देते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास मसोनरी होती है, जो ब्रिक मसोनरी या स्टोन मसोनरी हम फाउंडेशन में सुपर स्ट्रक्चर में जो करते हैं, उसे हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस तीनों डायमेंशन चाहिएंगे। उन तीनों से हम सॉरी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन डायमेंशन चाहिए, और उनसे हम वॉल्यूम के फॉर्म में क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब मसनरी जब हम करते हैं, जैसे ब्रिक मसनरी मान लें, हम दीवारों का दीवार बना रहे हैं, एक रूम की चार दीवार है, तो जब मसनरी वर्क हम करते हैं, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, अगर हम ब्रिक मसनरी कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि रूम की चारों दीवार सॉलिड है। सॉलिड से मतलब है मेरा कि रूम के अंदर कोई भी दरवाजा, खिड़की, कोई भी ओपनिंग गिवन नहीं है, कोई अलमारी, कोई भी ओपनिंग नहीं गिवन है। हम ऐसा मानते हुए ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है वो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम एक रूम के अंदर दरवाजा, खिड़की, अलमीरा और ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उन ओपनिंग में कहीं पे भी ब्रिक वर्क नहीं है, वहां ब्रिक नहीं लगी हुई है, वो खाली जगह होती है। तो अगर हम उसको सॉलिड मान के कैलकुलेट करें और उसी को अगर हम कैलकुलेशन में ले लेंगे एस्टिमेट बनाने में, तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होगी, एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर हमें एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे रूम में डोर्स हैं, विंडो हैं, और जो अलमीरा ओपनिंग है या अदर कोई ओपनिंग है, उन ओपनिंग के लिए हमें डिडक्शन प्रोवाइड करने होते हैं। जब उन ओपनिंग की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं और उसे जब हम डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन ओपनिंग पार्ट पे ब्रिक नहीं है, तो उस ब्रिक वर्क को जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी, जितना हमारे पास ब्रिक वर्क एक्चुअल में हमने किया है, उसकी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में आ जाएगी। सेम तरीके से कैलकुलेशन हमारे पास स्टोन मेसनरी के लिए होती है। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है आर्च मेसनरी वर्क। आर्च में जो मेसनरी वर्क होता है उसको भी हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था मेसनरी वर्क को, तो डिफरेंट आर्चेस में मेसनरी वर्क को एक सेपरेट आइटम की तरह कैलकुलेट करते हैं। मेसनरी वर्क क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होता है, आर्च मेसनरी वर्क को भी हम क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसनरी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो आर्च की मीन लेंथ है, जिसको यहाँ पे हम एल एम से शो कर रहे हैं, मीन लेंथ को हम आर्च की थिकनेस जो स्मॉल टी है यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर उसे ब्रेथ, जो वॉल की ब्रेथ है, क्योंकि आर्च जितनी चौड़ी वॉल होती है उतने चौड़ाई में प्रोवाइड किया जाता है, तो वॉल की ब्रेथ से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसनरी हमारे पास जो होगी वो होगी मीन लेंथ ऑफ आर्च मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ आर्च मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल। तो अगर हमें आर्च के लिए डिडक्शन कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, वही आर्च की जो क्वांटिटी है मेसनरी में, आर्च मेसनरी की जो क्वांटिटी है रिडक्शन के लिए वो होगी हमारे पास मीन लेंथ ऑफ आर्च मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ आर्च मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है लिंटेल्स ओवर ओपनिंग। हमारे पास जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, डोर ओपनिंग, विंडो ओपनिंग या शेल्व्स ओपनिंग, उन सभी पे हमें लिंटेल्स प्रोवाइड करने होते हैं। जो लिंटेल हम प्रोवाइड करते हैं वो या तो आरसीसी के होते हैं या रिइंफोर्स्ड ब्रिक के। लिंटेल की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिंटेल की लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। लिंटेल की जो लेंथ होती है वो होती है एस प्लस ट्वाइस ऑफ थिकनेस, मतलब क्लियर स्पान प्लस टू बियरिंग। क्लियर स्पान जो डोर, विंडो या शेल्व का जो क्लियर स्पान है उसको हम यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ प्लस टू बियरिंग। अगर हमें बियरिंग की डायमेंशन प्रोवाइड है बहुत अच्छी बात है, अगर बियरिंग की डायमेंशन हमें नहीं प्रोवाइड की गई है तो बियरिंग की डायमेंशन को हम लिंटेल की थिकनेस के बराबर, सेम के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ थिकनेस लेके लिंटेल की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे।
जब हमें लिंटल की लेंथ मिल गई है तो फिर हम लिंटल की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ लिंटल मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, जो स्मॉल टी से यहाँ डिनोट कर रहे हैं लिंटल की थिकनेस, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल। जो लिंटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितनी हमारी थिक वॉल है पूरी थिकनेस में प्रोवाइड करते हैं हम, विंडो डोर या शेल्फ की ओपनिंग से पूरी थिकनेस पे हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम थिकनेस ऑफ वॉल ले रहे हैं थर्ड डायमेंशन को। अगर हमें फिर डिडक्शन प्रोवाइड करना है, जैसे हम ब्रिक मेसनरी वर्क करते हैं तो वहां पे जब हम ब्रिक वर्क की एक्चुअल क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो हमें ओपनिंग के लिए डिडक्शन करना होता है। सेम तरीके से जब हम वहाँ लिंटल प्रोवाइड कर रहे हैं आरसीसी या रिइंफोर्स ब्रिक का, तो उनके लिए भी हमें वहां डिडक्शन प्रोवाइड करना होता है। उस डिडक्शन की क्वांटिटी कितनी होगी, जितनी क्वांटिटी लिंटल की है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ लिंटल मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ वॉल। ये जो क्वांटिटी हमारे पास क्यूबिक मीटर में आएगी इसको हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी में से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास वहां एक्चुअल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है आरसीसी एंड रिइंफोर्स ब्रिक वर्क। आरसीसी या रिइंफोर्स ब्रिक वर्क हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, रूफ में, फ्लोर स्लैब में, बीम्स हमारे जो होती हैं, लिंटल्स, कॉलम्स, फाउंडेशन, फुटिंग, इन सभी में हम आरसीसी रिइंफोर्स वर्क ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। आरसीसी की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब जो क्यूबिक मीटर में हमें लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस तीनों डायमेंशन चाहिएंगे, तो ये तीनों डायमेंशन हम जो हमें ड्राइंग में प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस और अदर डिटेल ड्राइंग्स जो प्रोवाइड की हुई होती है वो डिटेल हम उन ड्राइंग्स से लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसे हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं आरसीसी के लिए तो उसके अंदर हम स्टील रिइंफोर्समेंट और उसकी जो बैंडिंग है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो सेंटरिंग, शटरिंग मतलब जो फॉर्म वर्क है वो, फिक्सिंग और जो बाइंडिंग वायर का खर्चा है वो सब हम रिइंफोर्समेंट में इंक्लूड करते हैं। अब जब हम स्टील रिइंफोर्समेंट और उसकी बैंडिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो भी तो आरसीसी के अंदर कुछ वॉल्यूम गिरती है, तो उस वॉल्यूम को हम आरसीसी में से, आरसीसी का जो वॉल्यूम हमारे पास क्यूबिक मीटर में आएगा उसमें से हम उसे डिडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्टील को, जो हम रिइंफोर्स स्टील हमारे पास है उसको एक अलग आइटम, स्टील वर्क हम एक सेपरेट आइटम तरह उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्विंटल में कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिटेल गिवन नहीं है रिइंफोर्स स्टील के लिए तो हम जो हमारा आरसीसी का वॉल्यूम है उसका 0.6% से 1% स्टील के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सेंटरिंग एंड शटरिंग की बात करते हैं, बाइंडिंग वायर्स की बात करते हैं, तो इनको हम आरसीसी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, इसको हम, इसकी कॉस्ट को हम आरसीसी में ही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है फ्लोरिंग एंड रूफिंग। इस आइटम ऑफ वर्क को हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड फ्लोर होगी और उसके बाद अगर हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन चलता जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर हमारे पास रूफ होगी तो रूफ के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले हम फिलिंग करने के बाद सबसे पहले हम लाइम कंक्रीट का बेस लगाते हैं। तो जो लाइम कंक्रीट का बेस होगा प्लस फ्लोर फिनिशिंग हम सीमेंट कंक्रीट की, मार्बल या स्टोन, मोज़ेक, किसी की भी जो फ्लोर फिनिशिंग देते हैं इसको हम एक आइटम में कैलकुलेट करते हैं, एक ही आइटम मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है स्क्वायर मीटर में, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जब हम फ्लोर दे रहे हैं तो वो एक रूम के अंदर दे रहे हैं, रूम के अंदर दे रहे हैं तो रूम की एक वॉल से दूसरी वॉल तक के लिए हमें डायमेंशन लेनी है लेंथ इनटू ब्रेथ, रूम की इनसाइड डायमेंशन, एक वॉल से दूसरी वॉल तक की इनसाइड डायमेंशन हमें लेनी है, उससे हम लेंथ इनटू ब्रेथ कैलकुलेट करके स्क्वायर मीटर में यहाँ पे हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। सेकेंड हमारे पास आ रहा है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एक्सेट्रा। तो वहां पे जब हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं अगर,
तो सबसे पहले हम फ्लोर पे जाते हैं तो हमारे पास स्लैब है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं वो स्लैब है, जो हमने आरसीसी की प्रोवाइड की है या रिनफोर्स ब्रिक की प्रोवाइड की है। जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा था कि आरसीसी या रिनफोर्स ब्रिक हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको एक सेपरेट आइटम की तरह क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके ऊपर जब हम फ्लोर फिनिशिंग देते हैं तो फ्लोर फिनिशिंग को सेपरेट आइटम लेते हैं हम स्क्वायर मीटर में। फ्लोर फिनिशिंग सीमेंट, कंक्रीट, मार्बल, मोजाइक किसी की भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर में के बीच में हो सकती है। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं, वो है रूफ। तो रूफ में भी हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगी, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वही स्लैब है, तो उसको सेपरेट आइटम में हम आरसीसी या रिइंफोर्स ब्रिक स्लैब है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में लेंगे। और जो लाइम कंक्रीट हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट हमने उसको सेपरेट आइटम की तरह कैलकुलेट कर लिया सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, स्लैब को, और उसके बाद जब लाइम कंक्रीट टेरेसिंग जो हम देते हैं जिसकी थिकनेस यूजुअली हम 7.5 लेते हैं, कॉम्पैक्टेड थिकनेस से 12 सेंटीमीटर के बीच में, उसको हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। जो लाइम कंक्रीट हम दे रहे हैं स्क्वायर मीटर में, क्योंकि थिकनेस हमें ऑलरेडी उसकी स्पेसिफाइड होती है। तो इस तरह से हम रूफ के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो दो पार्ट्स में सपोर्टिंग जो स्लैब स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक मीटर में, और जो लाइम कंक्रीट टेरेसिंग दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं स्क्वायर मीटर में। फर्स्ट फ्लोर को भी दो पार्ट्स में होगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्यूबिक मीटर में आएगी और जो फ्लोर फिनिशिंग हम दे रहे हैं स्क्वायर मीटर में। सेम तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास जो लाइम कंक्रीट है बेस में और उसके ऊपर फ्लोर फिनिशिंग है, तो लाइम कंक्रीट एंड फ्लोर फिनिशिंग को हम एक ही आइटम मानेंगे और उसे हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टर जो हम करते हैं वो कोई भी हमारे पास दीवार है उसके दोनों फेस पे प्रोवाइड करते हैं। दोनों फेस मतलब दीवार हमने बनाई है तो दीवार के अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, दोनों फेस पे हमें प्लास्टर प्रोवाइड करना होता है। प्लास्टर जो हम यूजुअली थिकनेस यूज करते हैं वो होता है 12 mm थिक प्लास्टर यूज करते हैं। प्लास्टर की थिकनेस 12 mm लेते हैं यूजुअली, और इसकी क्वांटिटी को हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर मीटर से मतलब जब हमारे पास थिकनेस ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 12 mm थिक है, तो जो हमें स्क्वायर मीटर में लेना है मतलब लेंथ इंटू हाइट, हमारी दीवार की लंबाई कितनी है और हमारी दीवार की ऊंचाई कितनी है, उसी पे हमें प्लास्टर प्रोवाइड करना है। तो उतनी एरिया में हम स्क्वायर मीटर में वहाँ पे प्लास्टर प्रोवाइड करेंगे, इनर फेस पे भी और आउटर फेस पे भी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। जब हम प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं तो वॉल को हम पहले सॉलिड मान के प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं और फिर डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड से मतलब है कि हम मानेंगे कि हमारी दीवार में कोई भी दरवाजा, खिड़की, कोई भी ओपनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। जब ओपनिंग नहीं है तो पूरी दीवार में ब्रिकवर्क है, उसके ऊपर हम प्लास्टर कर रहे हैं अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। लेकिन एक्चुअल में हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं तो जब हमें एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उन ओपनिंग्स के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करने होंगे। अब डिडक्शन कैसे देते हैं, तो सबसे पहले हमने बोला था कि हम जो प्लास्टर लेते हैं वो स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और जो स्क्वायर मीटर हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे, हाइट एंड लेंथ। तो जो लेंथ है या हाइट है ये प्लास्टर प्रोवाइड करने से पहले नापा जाता है, बाद में नहीं, क्योंकि प्लास्टर की थिकनेस इंक्लूड हो जाएगी अगर हम बाद में नापेंगे तो रूम की अंदर से अंदर, सॉरी, जो लेंथ और हाइट लेनी है वो हमें पहले मेजर करनी है प्लास्टर करने से पहले, लंबाई। हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट हमें लेनी है रूम की फ्लोर से सीलिंग तक की, लेकिन अगर हमने स्कर्टिंग प्रोवाइड कर रखी है तो स्कर्टिंग के टॉप से लेके सीलिंग तक जाएंगे, क्योंकि स्कर्टिंग वाले एरिया में तो हमें प्लास्टर प्रोवाइड करना नहीं है, तो उसके लिए हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमें हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, स्कर्टिंग के टॉप से सीलिंग तक हम हाइट ले लेंगे, और स्क्वायर मीटर में लेंथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके वहां से हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड, डिडक्शन के लिए जो भी हमारे पास बीम के एंड्स, पोस्ट, राफ्टर्स के एंड हैं, उनके लिए कोई भी डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अगर हमारे पास जो ओपनिंग है, दरवाजा, खिड़की या कोई भी ओपनिंग है, उसका एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है तो हम कोई भी डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमने सॉलिड मान के
कैलकुलेट किया था, हम वही क्वांटिटी उसको कैलकुलेशन में रखेंगे और पोस्ट कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है लेकिन 3 स्क्वायर मीटर से कम है, 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और 3 स्क्वायर मीटर से अगर ओपनिंग का एरिया कम है, तो हम किसी एक फेस के लिए रिडक्शन देते हैं। दोनों फेस में डिडक्ट नहीं करना, या तो आप अंदर के फेस पे आपने जो क्वांटिटी कैलकुलेट की थी स्क्वायर मीटर में उसमें से आप ओपनिंग डिडक्ट कर दें, या फिर आप बाहर के फेस पे आपने जो स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी कैलकुलेट की थी आप उसमें से उस ओपनिंग को डिडक्ट करके क्वांटिटी निकाल लें। एक ही फेस पे हमें डिडक्शन देना है जब हमारे पास एरिया ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो लेकिन 3 स्क्वायर मीटर से कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ओपनिंग का एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हम जो डिडक्शंस देंगे ओपनिंग के लिए वो दोनों फेस पे देना है। पहले हम सॉलिड मान के दोनों फेस के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर मीटर में से, और फिर अंदर वाले फेस पे जो इनर साइड है वहां पे भी हम ओपनिंग का जो एरिया है उसको डिडक्ट करेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे, और आउटर साइड पे भी हमें डिडक्शन करना है। दोनों फेस पे डिडक्शन करेंगे हम ओपनिंग्स के लिए। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हमारे पास है कॉर्निस। ऑर्नामेंटल या लार्ज कॉर्निस जो सीलिंग के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं कंप्लीट वर्क के लिए। कंप्लीट वर्क में मैसनरी, प्लास्टरिंग, मोल्डिंग ये सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करेंगे और पेमेंट भी हम रनिंग मीटर के लिए करते हैं। सेम तरीके से अगर स्ट्रिंग कोर्स है, ड्रिप कोर्स है, कॉपिंग ये सभी चीज़ें, इनको भी हम रनिंग मीटर में ही मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में ही पेमेंट होती है इसकी। तो स्टूडेंट्स बाकी बचे हुए आइटम्स ऑफ वर्क को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।